दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक कर सकते हो। आधार कार्ड वोटर आईडी से लिंक करने का कुछ प्रोसेस होता है जिसको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस से लिंक कर सकते हो। पर आप इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, ऑनलाइन वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक करना चाहते हो, तो सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा जिससे आप आसानी से लिंक कर सकते हो। अगर आपको आ जाना है सिंपल सी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आपको वहाँ पर क्लिक करना है और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आते ही आपको सिंपल यहाँ इस पर क्लिक करना है और इसको डेस्कटॉप मोड पर कर लेना है। इस पर आते आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा रजिस्टर एंड लॉगिन, आपको सिंपली क्लिक करना है रजिस्टर पे। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आपको यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करके रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के लिए आपको सिंपल से अपना मोबाइल नंबर, कैप्चर कोड और OTP डाल के लॉगिन कर लेना है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। कैप्चर कोड डाल के आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करोगे OTP आपको आ जाएगा। अब आपको OTP डाल देना है, जो आपके नंबर पे OTP आया है तो OTP में चेकआउट करके इसमें एंटर कर देता हूँ। तो मुझे OTP आ चुका है, मैं इसको OTP इंटर करके वेरीफाई OTP पे क्लिक करूँगा। अब अगर आपके वोटर आईडी तो आपको इस पर क्लिक करना आया है, वो ओपर EPIC नंबर, मतलब वोटर आईडी नंबर, अगर आपके वोटर आईडी है तो आपको यहाँ आई डोंट हैव EPIC नंबर पर क्लिक करना है। अब मैं क्लिक करता हूँ वोटर आईडी नंबर आया हो, आपको सिंपली अपना वोटर आईडी नंबर यहाँ एंटर कर देना है। आपको अपना ईमेल आईडी नंबर यहाँ एंटर कर देना है, तो अपना ईमेल आईडी यहाँ एंटर कर देता हूँ। आपको सिंपली अपना ईमेल आईडी डाल देना है, जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी आपको उसको डाल देना है। यहाँ आपको पासवर्ड आपको एंटर करना है, जो भी पासवर्ड आपको ठीक लगे अपना पासवर्ड डाल देना है। तो मैं अपना यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ। तो आपको सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करना है, ये पेज मूव होगा, आप यहाँ सिंपली देख सकते हो यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली पे क्लिक कर देना है। अब आपको आ जाना है बैक होम स्क्रीन पर, जहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। अब आपको यहाँ अपना लॉगिन आईडी, मतलब मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करके कैप्चर कोड डाल देना है, फिर आप लॉगिन कर सकते हो, जहाँ आपको प्रोसेस लिंक करने का मिल जाएगा। तो मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ और पासवर्ड डाल देता हूँ। जैसे आप कैप्चर कोड, पासवर्ड, मोबाइल नंबर डाल दोगे, आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके सामने नई पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, जैसे आप लॉगिन कर लोगे आपके सामने इस तरह इंटरफेस आएगा और आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा जहाँ आपको लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा। ये सब प्रोसेस करने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है वोटर आईडी वोटर पोर्टल पे। वोटर पोर्टल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू पेज ओपन। लॉगिन करने के बाद आपको इस स्क्रीन पे आ जाना है और आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा प्रोवाइड आधार कार्ड नंबर फॉर द पर्पस ऑफ एनरोलमेंट ऑथेंटिकेशन। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ बताया जाएगा आपके नाम के साथ, और आपको यहाँ क्लिक करना है लेट स्टार्ट पे। लेट स्टार्ट पे क्लिक करते आपको वापस लेट स्टार्ट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पूछा जाएगा आपका वोटर आईडी नंबर है या नहीं है। आईपी आपको क्लिक करना है वोटर आईडी नंबर, आपको यहाँ अपना वोटर आईडी नंबर इंटर कर देना है। मैं अपना वोटर आईडी नंबर इंटर कर देता हूँ। जैसे अपना वोटर आईडी नंबर आप इंटर कर दोगे, आपको फिश डिटेल पे क्लिक करना है। जब फिश डिटेल पे क्लिक करोगे आप यहाँ देखोगे वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड फॉर योर वोटर आईडी एंड नंबर आ जाए, क्लिक है दू प्रोसीड बटन। प्रोसीड पर क्लिक करना है आपको। आप प्रोसीड पर क्लिक करते आपका नाम और आपका डिटेल आ जाएगा। आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पूछा जाएगा यस आई हैव आधार कार्ड नंबर। आपको सिंपली आपके आधार कार्ड नंबर पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ अपना नाम इंटर कर देना है। तो मैं अपना नाम इंटर कर देता हूँ। आपको अपना नेम सरनेम इंटर कर देना है, फिर इसके नीचे आपको नेम अपना आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अपना नाम आपको इंग्लिश में इंटर करना है, टॉपिक उसके आपको हिंदी में नाम इंटर करके आपको क्लिक करना है फॉरवर्ड के लिए। अब आपको मोबाइल नंबर इंटर कर देना है ऑथेंटिकेशन के लिए। अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ मैं, आप भी अपना मोबाइल नंबर इंटर कर दीजिएगा और सेंड OTP पे क्लिक करेगा। जैसे सेंड OTP पे क्लिक करोगे आपके नंबर पे एक OTP रिसीव होगा, फिर आपको OTP इंटर कर देना है। अब आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करोगे आप यहाँ देख सकते हो मोबाइल नंबर वेरीफाइड, और आपको इस तरह डिटेल्स आ जाए। आपको सिंपल यहाँ इंटर कर देना आपको जो भी प्लेस होगा, तो अपना प्लेस मुंबई इंटर कर देता, आपको जो भी प्लेस होगा आपको इंटर कर देना है और आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपको समय इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ अपना आधार कार्ड नंबर इंटर कर देना है, आपको नीचे एडिट फॉर्म पे क्लिक करना है और आपको यहाँ अपना आधार कार्ड नंबर इंटर कर देना है। आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ इंटर कर देना है, तो अपना आधार कार्ड नंबर इंटर कर देता हूँ। जैसे अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ इंटर कर लोगे आपको यहाँ नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते आपको वापस यहाँ प्लेस डाल के आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ आ चुका है। आपको सिंपली यहाँ नीचे आ जाना है और आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो अब ये सबमिट हो रहा है, तो आपको यहाँ देखते हो मुझे मैसेज आ चुका है या वोटर आईडी एप्लीकेशन नंबर जो भी आपके सामने, इधर मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके का मैसेज आपको नंबर पे आ जाएगा जहाँ आपको अपना एप्लीकेशन रिफ्रेश नंबर आपको देखने मिल जाएगा। अब स्क्रीन पे चलते हैं, यहाँ आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन सुनील शर्मा, यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन फॉर फॉर्म 6B इन द एनरोलमेंट रोल।
तो यहाँ आपको इस तरह का एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा जहाँ आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है और आपने अपने आधार कार्ड को वोटर आई डी से लिंक कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना।